नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मंगलवार को नगीना मार्ग स्थित साईं मंदिर के निकट एक बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साल का बच्चा सुरक्षित बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बताते चलें कि नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अजगरीपुर निवासी सद्दाम पुत्र मोहम्मद यूसुफ धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामठेरा अपनी ससुराल से वापस अपने गांव जा रहा था। जब वह धामपुर नगीना मार्ग पर साई मंदिर के निकट पहुंचा तो रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। जाखोर आके साईया मार सके ना कोई वाली कहावत उस समय चरितार्थ हो गई, जब दंपति का एक वर्ष का पुत्र जुबेर बाल बाल बच गया। ससुराल पक्ष के लोगों ने धामपुर थाने पहुंचकर रोडवेज चालक के खिलाफ तहरीर दी। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शमून। कहाँ के रहने वाले हैं? मंदोरा। ये जो मृतक है पति पत्नी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामठेरा के रहने वाले हैं। लड़की रामठेरा की है जी। और लड़का जो है कहाँ का? नूरपुर। नहीं, शादी आपको? लड़का अजगरीपुर का है। अजगरीपुर का लड़का है और ससुराल से अपने घर जा रहा था जी। रास्ते में रोडवेज ने रोड साइड से आकर के इनको मारा। दोनों मौके पर ही मौत हो गई दोनों की। धामपुर नगीना मार्ग पर जो एक्सीडेंट हुआ, किस किस चीज से हुआ, कितने लोगों की मौत है? रोडवेज और बाइक से हुआ है जी। और उसमें पति पत्नी, क्या पति पत्नी है ना जी? पति पत्नी है। धामपुर से आ रहे थे नगीने। धामपुर से।